शास्त्री जी के साथ क्या हुआ था? Was it a heart attack or was it a state-sponsored murder? लोग सच नहीं, सच की कहानी सुनना पसंद करते हैं। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बच्चे बेटी को पढ़ा लिखा के बड़ा करो और आखिरी दिन उसका विदाई का दिन आ जाए। तो इस फिल्म के साथ मैं जिया हूँ। आई हैव लिव्ड विद दिस फिल्म। तीन साल तक ऐसा लगा जैसे शास्त्री जी हमारे परिवार के सदस्य बन गए हैं और हम उनकी मृत्यु से छुपे रहस्यों को ढूंढने की कोशिश करते रहे। और उससे भी ज़्यादा कि किस तरह से इस देश में सत्य की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, उसका एक पर्सनल एक्सपीरियंस RTIs फाइल करके, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स पढ़ के, रिसर्च करके, लोगों से बातचीत करके, जो जर्नलिस्ट उस वक्त वहाँ मौजूद थे उन लोगों से मिल के, ये सब करके कैसे ये सब किया जाता है। और ये सब करने के बाद अब ये फिल्म तैयार है। तमाम सवालों के जवाब हैं, कुछ सवाल और नए उठेंगे और ये लोगों के सामने एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री आएगी जो कि किसी और नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री से रिलेटेड मर्डर मिस्ट्री है। तो आई फील वेरी रिलीव्ड एंड सेटिस्फाइड। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता बासु प्रसाद और मैं द ताशकंद फाइल्स में रागिनी फुले नाम की एक पत्रकार का किरदार निभा रही हूँ। रागिनी एक रूकी जर्नलिस्ट, जब आप फिल्म शुरू करेंगे तो देखेंगे कि एक यंग एम्बिशियस लड़की जो अपना अभी 2-4 साल पहले शायद उसने जर्नलिज्म शुरू किया होगा और वो स्कैंडल्स लिखती है, स्कूप्स लिखती है और वो सारे न्यूज़ इकट्ठा करते जो शायद फेक न्यूज़ भी हो, फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट्स हो और हेडलाइंस बनाती है। जब तक उसके पास एक ऐसी फाइल आती है द ताशकंद फाइल्स जिसमें उसको एक नया सब्जेक्ट मिलता है, दैट हु किल्ड शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी 53 साल पहले जो रहस्यमयी मृत्यु हुई थी उसके बारे में वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और उसके बाद वो इतनी ऑब्सेस्ड हो जाती है। सो एक पूरा ग्राफ है जहाँ पर वो उसको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है तो वो उसको इन्वेस्टिगेट करती है, अपनी तरफ से रिसर्च करती है, फिर एक इंक्वायरी कमीशन बैठती है, वो उसका हिस्सा बनती है और लास्ट में उसको ये समझ में आता है कि ये सब्जेक्ट के परे भी एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, एज डेमोक्रेसी में जो सबसे फंडामेंटल राइट होता है किसी भी सिटीज़न का, वो ट्रूथ होता है, वो सच जानना होता है। तो वो उसकी लड़ाई लड़ती है रागिनी, क्योंकि पत्रकार है इसलिए वो हमारे लोकतंत्र का जो डेमोक्रेसी का जो हम चौथा स्तंभ कहते हैं, द फोर्थ एस्टेट, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया, उसे रिप्रेजेंट करती है, हमारी हम सभी को एज ए यूथ रिप्रेजेंट करती है। और यही कहना चाहूँगी कि जो भी लोग हैं ऑडियंस में जो सच जानना चाहते हैं, जो शास्त्री जी को याद करते हैं, उनकी उनकी उनके बारे में जानते हैं और उनके बारे उनके मृत्यु से जुड़े जितने भी उनके सवाल हैं उनके जवाब जानने के लिए वो ताशकंद फाइल ज़रूर देखें। हिस्टोरियन की भूमिका निभा रही हूँ इसमें। इस कैरेक्टर का नाम है आयशा अली शाह और बहुत ही एंटाइटल्ड सी औरत है ये, और चूँकि हिस्टोरियन है, ऑथर है, तो जो पॉपुलर नैरेटिव है हमारे देश में कि शास्त्री जी की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी, उसी पे वो विश्वास करती हैं। शायद वही उन्होंने ही ये लिखा है कि वो हार्ट अटैक से नहीं रहे, तो इसकी वजह से अपना पॉइंट वो लेके फिल्म के आखिर तक बहुत ज़्यादा तंग करती है सबको, तंग करती है, बहुत ही माइल्ड वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, नाक में दम करके रखती है सबके। और बहुत ज़्यादा नास्टी औरत है, बुढ़ी है तो इसलिए अपने ही इसमें रहती है, नवाबी ठाट में रहती है, ज़रा क्रिपल हैं, व्हीलचेयर पे है, तो इसकी वजह से वो और थोड़ी सी एक जो एक फ्रस्ट्रेशन रहता है अंदर कि सब लोग चल फिर पा रहे हैं और एवरीबडी इज़ गोइंग अबाउट देयर वर्क, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो वो एक कहीं पे एक फ्रस्ट्रेशन है थोड़ा सा, वो भी निकल के आता है हर चीज़ में। तो इस तरह का कैरेक्टर है और मैं बहुत बुरा सलूक किया है मैंने रागिनी फुले के साथ पूरी फिल्म में बेचारी और पूरी फिल्म में मैं कहीं हंस नहीं पाई बिल्कुल, मेरा प्लेजेंट फेस हंसती नहीं, मैं तो मतलब मैं हंसती ही रहती हूँ, जब कोई वजह नहीं होती तब भी हंसती रहती हूँ मैं, और मुझे मतलब बिल्कुल पाबंदी थी मेरी हंसी पे। तो इस तरह का है किरदार। और जैसे आपने देखा एक कॉन्फ्रेंस बैठी है वहाँ पे, कमेटी बैठी है, तो कमेटी जाहिर सी बात है कि जब कमेटी तभी बैठेगी जब उसमें दो वॉरिंग पार्टीज़ होगी, कुछ लोग जो समझते हैं कि इसमें कोई रहस्य था उनकी मृत्यु में और कुछ जो समझते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थियरी है
और ये नहीं हुआ. तो ये दो पार्टीज़ के बीच का जो पूरा डिस्कशन है उसमें से आई बिलोंग टू द ग्रुप विच हैज़ डिसाइडेड कि ये कॉन्स्पिरसी थियरी है और इसमें कुछ है नहीं, फालतू की बकवास है ये, और उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई. जैसा कि क्वेश्चन मार्क भी है पोस्टर में, हु किल शास्त्री जी, तो इस फिल्म, ये फिल्म आने के बाद, दोनों से जानना चाहेंगे कि ये फिल्म आने के बाद क्या ऐसा मतलब खुलासा होगा कुछ थोड़ा बहुत? बिल्कुल बिल्कुल, वरना ये फिल्म क्यों बनाते हैं, वरना ऐसा सवाल क्यों पूछते हम कि हु किल्ड शास्त्री. देखिए, चूँकि हम कोई जज नहीं हैं, हमारे हाथ में वो लीगल पावर्स नहीं है, हम वी आर नॉर्मल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, इसलिए एक जो कैसे क्या कहते हैं पत्थर की लकीर जो सत्य बन जाती है वो हम कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास वो लीगल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, लीगल राइट नहीं है हमारा ये कहना, क्योंकि ये लीगली बात अभी तक साबित हुई नहीं है. लेकिन वहाँ तक पहुँचाना लोगों का हमारा काम है, और वहाँ तक हमने पहुँचाया है उनको विद फैक्ट्स, विद आर्ग्यूमेंट्स, विद डेलिबरेशंस. आगे उसको और ले जाना लीगल रूट से, उसको ओपन करना, फिर ये हमारे युवा का काम है, हमारे गवर्नमेंट का काम है, हमारे आप जैसे जर्नलिस्ट्स का काम है. आई थिंक इस फिल्म की सबसे बड़ी जीत यही होगी कि अगर इस फिल्म को देखने के बाद जो हमारी ऑडियंस है, सिटीजन्स है, वो इस पर आवाज़ उठाएँ और इसके ऊपर सवाल उठाएँ और इसके बारे में इसकी इंक्वायरी कमीशन की डिमांड करें. और अगर सच में जैसे फिल्म में दिखाया गया है कि कमेटी बैठती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए शास्त्री जी की इस केस को, कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं है या जो भी उसका जो क्लोजर है उसके लिए, चाहे वो हार्ट अटैक ही क्यों ना हो, जो भी हो, लेकिन वो सच सामने आ जाए, आई थिंक दैट विल बी द बिगेस्ट विक्ट्री ऑफ द फिल्म. 12 दिन के अंदर अंदर होमी भाभा का प्लेन आल्प्स में गायब हो जाता है, उस प्लेन की डेबरी नहीं मिलती और वो एक पैसेंजर प्लेन था. तो अगर होमी भाभा को मारने का षड्यंत्र था तो उनके साथ वो जो इनोसेंट पैसेंजर्स मरे उनका क्या, कौन है वो कोलैटरल डैमेज है. तो क्या आपकी और मेरी जिंदगी इतनी सस्ती है कि कल को किसी और को ऐसे ही अगर ख़त्म करना हो किसी को, तो आप और मैं उस प्लेन में बैठे और आप और मैं कोलैटरल डैमेज बन जाए, इतनी सस्ती तो नहीं हो सकती हमारी ज़िंदगी. तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इसके बारे में काम करना था, इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी था, और चूँकि किसी ने किया नहीं और हमारे पास ये अगर मौका हमें मिला है तो वी डिसाइडेड टू गो फुल फोर्स. एंड इट्स स्ट्रेंज कि 53 इयर्स में ये ऐसी फिल्म या ऐसी डिस्कशन कभी बनी नहीं. आई मीन मैम ने शायद पिछले किसी इंटरव्यू में कहा था दैट इट्स अ मिक्स्ड इमोशन दैट वी आर हैप्पी दैट वी आर डूइंग दिस बट वी आर ऑल्सो सैड कि किसी ने किया नहीं आज तक. 53 साल इन दैट्स अ लॉन्ग टाइम. और जैसे श्वेता एक सवाल पूछती है उसमें वो युवा नेता जो है हमारे इसमें फिल्म में, वो कहते हैं कि ये शांति और अहिंसा का देश है, ये गांधी और नेहरू का देश है, तो ये पूछती है शास्त्री का क्यों नहीं है. अब देखिए गांधी जी पे कितनी फिल्में बनी हैं, जो कि सही है, मैं गलत नहीं कह रही हूँ, बननी चाहिए उनके ऊपर फिल्में, लेकिन क्या सिर्फ उन्हीं के ऊपर फिल्में बननी चाहिए, और भी जो हमारे लीडर्स हैं. और अगर ये इतना बड़ा रहस्य अगर किसी चीज़ को लेके है तो पिछले इतने सालों में हमने ना डॉक्यूमेंट्रीज बनाई ना फिल्म बनाई, अभी कुछ 4-5 साल से शास्त्री जी के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनने लगी हैं, अभी तक तो कुछ भी नहीं बन रहा था, तो हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं काफ़ी. अगर आप फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो जॉइंट फिल्म्स में बहुत सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे. चाहे आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर या सिंगर बनना चाहते हो, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें.